दोस्तों मैं मनोज सर, भूगोल एवं पर्यावरण परिषद की प्रैक्टिस सेट। तो देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच क्या अवस्थित है। तो देखिए इसमें पाक जल संधि है दोस्तों, न्यू मूर द्वीप ये गलत है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी सही है दोस्तों, और पीरम द्वीप ये भी गलत है। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, एक और तीन सही है। इसमें देखिए भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के समीप अवस्थित है, जबकि पीरम द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान में मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। अगला देखिए, पश्चिम तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों, दो और तीन सही है। अगला देखिए, यहाँ पर क्या है कि स्थिति और सक्रिय भूआकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर भारतीय तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में संकीर्ण और परंतु उत्तर और दक्षिण में से चौड़े हो जाते हैं। कथन वन सत्य, पश्चिमी तटीय मैदान में जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पश्चिमी तटीय पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी तटीय मैदान एक जल मग्न संकीर्ण पट्टी है, ये भी सही है। तो ये सही है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है, और पत्तनों पूर्वी बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, गुजरात काठियावाड़ा तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार तट, केरल कोरोमंडल तट। तो ये है डी। अगला देखिए, उत्तर भारत में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ा तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, कर्नाटक और केरल का मालाबार तट, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर देखिए दोस्तों, क्या है, कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृतियाँ हैं, गलत है दोस्तों। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। तो केवल दो सही है। यहाँ पर देखिए, कयाल और मालाबार तट का विशेष स्थलाकृतियाँ हैं जिसका प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। कयाल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल के पुन्नमादा कयाल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बल्लमकाली का आयोजन किया गया। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ दोस्तों, कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरा हुआ है, और पूर्व की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। अब देखिए, उभरा तटा होने के कारण यह पत्तन पोताश्रय कम है, और यहाँ पर महाद्वीपीय सेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पत्तनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, सैंडल पीक है, फिर माउंट डिओली है, माउंट कायोबो है, माउंट थुइलियर है। तो इसमें क्या सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि भारत में दो द्वीप समूह हैं, पहला बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। उत्तरी अंडमान में अवस्थित सैंडल पीक इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डिओली मध्य अंडमान में माउंट कोयोब दक्षिणी अंडमान में तथा माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। निम्नवर्ती क्षेत्रों में जहाँ नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं और वहाँ इनका वेग अत्यधिक कम रहता है, और यहाँ पर नदियों द्वारा अवसादों का निक्षेपण अत्यधिक होता है, जिससे निर्मित संरचना को डेल्टा कहते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बड़ा रहता है। तो इसमें क्या सही है, डी सही है। इसके बाद देखिए, जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ व मंद ढाल के मैदान में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी स्थूल और आकार की नद भार को वहन करती है, और मंद ढालों पर नदियां या भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पर देखिए कि डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने की स्थापना भिन्न होती है। डेल्टा का निर्माण समुद्र के किनारे होता है, जहाँ नदी अपने साथ लाए हुए पदार्थों को बिखेर देती है। जलोढ़ पंख के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित और स्थरित होती है, अर्थात मोटे पदार्थ तक के निकट के बारीक कण जैसे चीका, मिट्टी, गोद आदि सागर दूर तक जमा हो जाती है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे नदी भी तरिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ा रहता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कथन सही नहीं है शिवालिक हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत के उत्तरी मैदानों में बाढ़ के मैदानों के ऊपरी विस्तारित पुरानी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को बागर कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मृदा वाले बाढ़ के मैदान क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों सही है। भारत के पश्चिम में उत्तरी और पश्चिमी किनारों पर मृदा अपरदी तथा विक्षेपित अरावली है। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा सही नहीं, तो 1, 2, 5। तो देखिए, शिवालिक हिमालय की बाह्यतम श्रेणियां, जबकि हिमाद्री बृहद हिमालय सबसे आंतरिक श्रेणी है। बंगाल की खाड़ी के समीप पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, धौलाधार पर्वत श्रेणी के पार पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर तेजी से मुड़ी हुई और भारत की पूर्वी सीमा तक फैली है, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि गोंडवाना लैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल थे। भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण भारत की ओर बहने वाली उत्तर पूर्वी हवाएं नहीं है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी हिंद महासागर से उठने वाली हवाएं हैं। अगला देखिए, मैग्रोवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वार भाटा से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी ब्रिज और रॉयल बंगाल टाइगर इन क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, दिहांग गार्ज के समीप पर्वत श्रृंखलाएं दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ लिए हुए है, भारत की पूर्वी सीमा तक फैली है, जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है और ब्लाक पर्वत का उदाहरण है। तो ये सही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या सही है दोस्तों, केवल 1 सही है। देखिए, कार्बी एंगलॉक क्षेत्र मध्यवर्ती असम में स्थित है, जो प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, द्वार उत्तर पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाढ़ का मैदान एवं गिरिपद है। द्वार स्थलाकृतियों का उपयोग विशेषकर चाय बगान लगाने के लिए किया जाता है। तो सी, इसमें 1 और 2 सही है। तो देखिए, द्वार भूटान के आसपास उत्तरी पूर्वी भारत में पूर्वी हिमालय के बाद का मैदान गिरिपद है, इन क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गाडविना स्टील। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदोबेट्टा। अंडमान निकोबार सबसे सैंडल पैक। तो इसमें क्या है, डी सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, द्वार पश्चिमी घाट में वनों के मध्य स्थित घाटियाँ हैं, जो कि जानवरों को आवागमन का मार्ग देती है, अतः इन्हें द्वार कहते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, द्वार पूर्वोत्तर में भूटान और पूर्व मध्य हिमालय के निचले भाग में पाए जाते हैं। संकोष नदी से विभाजित पश्चिम और पूर्व द्वार का निर्माण किया गया है। पूर्वी द्वार पश्चिम असम राज्य में है और यहाँ अनेक नदियाँ हैं, जबकि पश्चिमी द्वार उत्तरी पश्चिम बंगाल राज्य में है या तराई क्षेत्र में। आर्थिक रूप से पश्चिमी द्वार चाय उद्योग के केंद्र हैं। अगला देखिए, यहाँ पे बुग्याल है। तो बुग्याल क्या है, ग्रीष्मकालीन घास भूमि, जिसका उपयोग भोटिया जनजाति द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। और क्रोकोडायल द्वीप क्या है दोस्तों, क्रोकोडायल मन्नार की खाड़ी में एक मूगा निर्मित संरचना, जहाँ पादपों और जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह मन्नार की खाड़ी और जयमंडल रिजर्व का भाग है। अगला देखिए, एरामार्ला आंध्र प्रदेश की एक पर्वत श्रेणी, जो कि पूर्वी घाट का अंग है। जायद खरीफ और रबी की अलावा यह ग्रीष्मकालीन फसल का प्रतीक है और इसमें मुख्यतः सब्जियां और फल उत्पादित होते हैं। तो इसमें क्या सही है, सी सही है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है? तो बी देखिए, न्यू मेयर द्वीप और लोथिल द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं। तो ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए, न्यू मूर द्वीप और लोथियल द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, दो द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर के द्वीप। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए शब्दावली है, टिप्पणी है। तो यहाँ पर देखिए, मांजुली असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद हुगली एक ज्वारी नदी है। अनाईमुड्डी पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थायी शोध संस्थान, जिसे 1989 में बंद किया गया, 1990-91 में जिसका स्थान मैत्री ने लिया है। तो ये क्या है, बी है।
अगला देखिए, मांजुली भारत का पहला द्वीप जिला है, यह आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट का एक अंग है, यह कुड़प्पा तंत्र से संबद्ध है, यह अभ्रक, लौह, मैग्नीज, चूना, पत्थर इत्यादि जैसे खनिजों का भंडार है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 इससे होकर गुजरता है, यह श्रेणी है, तो डी है नल्लामलाई पहाड़ी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, नामदफा श्रेणी अरुणाचल प्रदेश, लामाटोल श्रेणी मणिपुर, अन्नामलाई श्रेणी तमिलनाडु और केरल की सीमा, नलम्मालाई श्रेणी आंध्र प्रदेश। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अरावली पर्वत के लिए सही नहीं है, तो देखिए ये सही नहीं है, एक गुंबदाकार पर्वत है, ये गलत है दोस्तों। इसके बाद देखिए, अरावली एक प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो राजस्थान बागर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों कि हिमालय के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए कश्मीर की घाटी एक अभिनत घाटी है जो चेनाब नदी द्वारा जलोढ़ के निक्षेप से समतल क्षेत्र में परिणित है, तो ये गलत है दोस्तों। कश्मीर की घाटी एक अभिनत घाटी है जो चेनाब नदी नहीं बल्कि झेलम नदी जलोढ़ के निक्षेपण में समतल क्षेत्र में परिणित हो गई है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण कुमारी अंतरीप तक है, सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है, यह प्रायद्वीपी भारत की वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है, नीलगिरी के समीप एवं पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता, उपयुक्त सभी सही है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाइए, तो इसमें देखिए क्या है, कडरमम, फिर इसके बाद अन्नामलाई, फिर नीलगिरी, फिर नल्लामलाई, तो इसमें क्या है, ए सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, धन्यवाद।